नमस्कार, न्यूज लाइन में आपका स्वागत है। आज की खास खबरों को लेकर मैं हूं मधु। आइए देखते हैं आज की खास खबरें। संताल की धरती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन को लेकर श्रम मंत्री राज पलिवार ने कार्यकर्ताओं के साथ की बैठक। सूबे के श्रम नियोजन व प्रशिक्षण मंत्री राज पलिवार शनिवार को शेखपुरा स्थित आवास में पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की है। मौके पर कहा कि साहिबगंज गंगा नदी पर पुल की चिरलंबित मांग को पूरा किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी साहिबगंज गंगा नदी पर पुल निर्माण की ऐतिहासिक आधारशिला रखने आगामी 6 अप्रैल को पहुंच रहे हैं। सड़क परिवहन व राजमार्ग विभाग के केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी भी कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। संथाल परगना के लिए यह यादगार दिन साबित होगा। गंगा नदी में पुल के साथ साहिबगंज में बंदरगाह का शिलान्यास होना है। वर्षों से उपेक्षित रहे संथाल परगना के विकास के लिए यह पुल और बंदरगाह मील का पत्थर साबित होगा। इत्तेफाक से भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस भी 6 अप्रैल को ही है। इस कार्यक्रम को लेकर सभी भाजपा कार्यकर्ता और समर्थक साहिबगंज पहुंचेंगे। आने वाले 6 अप्रैल को देश के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी संथाल परगना की ऐतिहासिक धरती पर आ रहे हैं। आज़ादी के बाद से लगातार संथाल परगना के लोगों का और साहिबगंज के लोगों का ये मांग रहा है कि साहिबगंज गंगा पुल पर गंगा नदी पर पुल बनना चाहिए। यह चिर प्रत्यक्षित मांग भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी और रघुवर दास जी ने संथाल परगना के लोगों का सपना साकार किया है। यह ऐतिहासिक आधारशिला रखने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, तो संथाल परगना के एक एक कार्यकर्ताओं का यह परम कर्तव्य है कि जब प्रधानमंत्री हमारी धरती पर आ रहे हैं, संथाल की धरती पर आ रहे हैं, तो आने वाले 6 तारीख को भारी संख्या में प्रधानमंत्री जी का ऐतिहासिक स्वागत करने के लिए हम लोग साहिबगंज पहुँचे। और इत्तेफाक और संयोग की बात है, जिस दिन आदरणीय प्रधानमंत्री जी संथाल परगना की धरती पर आ रहे हैं 6 अप्रैल को, उसी दिन भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस भी है। तो हम लोगों के लिए ये सुखद संयोग है कि दोनों कार्यक्रम एक साथ मिल रहा है, इसलिए संथाल की धरती पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, आदरणीय गडकरी जी का दोनों साथ आ रहे हैं। ऐतिहासिक और भव्य स्वागत होगा। उस दिन गंगा नदी पर पुल का आधारशिला और साथ ही साथ बंदरगाह का भी आधारशिला रखने का ऐतिहासिक और पवित्र काम देश के प्रधानमंत्री भूतल मंत्री आदरणीय गडकरी जी करने वाले हैं। हम सारे कार्यकर्ता उसी निमित्त यहाँ पे आज तैयारी के दृष्टिकोण से बैठे। हटिया बाजार में मार्केट कॉम्प्लेक्स को लेकर श्रम मंत्री राज पलिवार ने कहा, पहले पुनर्वास की व्यवस्था हो तब विकास हो जाएगा। सूबे के श्रम नियोजन प्रशिक्षण मंत्री राज पलिवार ने कहा कि रामचंद्र बाजार हटिया में मार्केट कॉम्प्लेक्स निर्माण के लिए वह वर्ष 2005 से प्रयासरत रहे हैं। तब विधानसभा में भी हटिया मार्केट कॉम्प्लेक्स निर्माण की आवाज़ उठा चुका हूँ। हटिया में मार्केट कॉम्प्लेक्स का निर्माण हो लेकिन विस्थापन नहीं हो, जनता के हित में विकास होना चाहिए। हटिया के कई दुकानदारों ने अपनी समस्याओं से अवगत कराया था, उस समस्या को दूर किया जाएगा, किसी को उजड़ने नहीं दिया जाएगा। सर, मार्केट कॉम्प्लेक्स बनना है हटिया रोड में, उसको उसकी शिलान्यास कब तक? देखिए, उसकी तो मुझे बहुत जानकारी नहीं है, पर इतनी जानकारी जरूर है कि कुछ लोगों ने दूरभाष के माध्यम से हमको कुछ बातें, कुछ समस्याएं रखने का काम किया था। मैंने उसको तुरंत सॉर्ट आउट किया है। और जब मेरा ये मानना है कि विकास हो लेकिन विकास के साथ विस्थापन ना हो, तो यदि इस प्रकार की कोई बातें हैं तो उसका समुचित इलाज करते हुए जनता के हित में विकास होना चाहिए और हम लोग सब आदमी मिलजुल कर समस्या का समाधान करते हुए विकास करेंगे। अनुमंडलीय व्यवहार न्यायालय में मेगा लोक अदालत का हुआ आयोजन, कुल 3 आपराधिक मामलों का हुआ निष्पादन। अनुमंडल व्यवहार न्यायालय में शनिवार को मेगा लोक अदालत का आयोजन किया गया। इस अवसर पर SDGM के अदालत में कुल 3 आपराधिक मामलों का निष्पादन हुआ। वहीं SDGM आलोक कुमार ने विभिन्न अधिकारियों के साथ 8 अप्रैल को आयोजित होने वाले राष्ट्रीय लोक अदालत को लेकर समीक्षा बैठक भी की। वहीं विभिन्न पहलुओं पर उन्होंने अधिकारियों के साथ व उपस्थित मजिस्ट्रेट व वकीलों के साथ चर्चाएं भी की। आज सर लोक अदालत था, आज की लोक अदालत में कितने मामलों का निष्पादन हुआ, क्या रिकवरी हुई? अभी तक हमारे बेंच से 3 आपराधिक मामलों का निष्पादन हुआ है और अन्य बेंच से जो है सिर्फ फिगर आना बाकी है। लोक अदालत अभी और पूरी तरह निष्पादन तो नहीं आज हुआ है, देखते हैं आखिर तक फिगर कितना आता है। किन किन मामलों को लेकर के था आज? आपराधिक मामले थे 107, 44 सर्टिफिकेट केस,
वन विभाग, पब्लिक यूटिलिटी सर्विस, रेलवे वगैरह के मामलों के लिए रेलवे कोर्ट का भी फिगर हमें नहीं मिला है जी। तो वहाँ से फिगर में आने के बाद कुछ बता सकते अब सर। इसके साथ साथ जो है सो इस बात पर भी था कि 8 अप्रैल को जो नेशनल लोक अदालत है उस पर हम लोगों का विशेष रूप से स्ट्रेस है कि उसमें ज़्यादा से ज़्यादा मामलों में सुलहनीय मामला है इसका, पब्लिक यूटिलिटी सर्विस है, बैंकों बैंक से संबंधित है, उस मामले का लिटिगेशन के माध्यम से इससे जो है सो उसका निपटारा किया जा सके। उसमें सारे जो पक्षकार हैं उनका उपस्थिति जो है सो सुनिश्चित करवाया जा सके, इसके लिए भी हम लोग स्ट्रेस दिए। कुंडू बंगला मोहल्ले में पेड़ दमकल की सहायता से आग पर पाया गया काबू। 110 करोड़ की लागत से पाथरौल से गिरिडीह फाया मधुपुर एनएच का जल्द होगा शिलान्यास। केंद्र सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा पाथरौल से गिरिडीह सीमा भाया मधुपुर तक 2 लेन सड़क निर्माण के लिए 110 करोड़ रुपया की स्वीकृति मिलने पर स्थानीय भाजपा नेताओं में हर्ष है। वहीं इसे लेकर के सांसद प्रतिनिधि मोती सिंह, नगर परिषद अध्यक्ष संजय यादव, पार्षद रवि रवानी, शपन मिश्रा, आकाश गुठुटिया, ताशिश फरहान, विनय वर्मा ने भाजपा सांसद निशिकांत दुबे की सराहना करते हुए कहा है कि क्षेत्र के विकास में अनवरत लगे रहने वाले नेता बहुत कम होते हैं। सांसद के प्रयास से ही एनएच की स्वीकृति मिली है। हवाई अड्डा, एम्स, नेशनल हाईवे, सिंचाई परियोजनाएं समेत कई योजनाएं गुड्डा सांसद की दूरदर्शिता है। अति पिछड़ा मधुपुर में सर्वांगीण विकास को ध्यान में रखते हुए केंद्र व राज्य सरकार की ओर से काम कराया जा रहा है। यह नेशनल हाईवे 144A डुमरी से रामपुर हाट तक बन रहा है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।